नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। शहर के बेगूसराय जिला अंतर्गत लोहिया नगर ओपी थाना क्षेत्र के बाघा एक कॉलोनी में शुक्रवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने बाथरूम के वेंटिलेटर के सारे घर में घुसकर हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने हथियार के बल पर घर के एक सदस्य को अपने कब्जे में ले लिया और अलमारी में से करीब 4 लाख के आभूषण लूट कर फरार हो गए। घटना शुक्रवार देर रात की है। घर में अपराधियों ने बाथरूम के वेंटिलेटर के सहारे घर में प्रवेश किया था। घटना राम इकबाल चौधरी के पुत्र लालधारी चौधरी के घर पर हुई, जहां अपराधी चोरी की नियत से घर में घुसे थे। अपराधी ने घर का दरवाजा खोला तो एक सदस्य को अपने कब्जे में लेकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के अनुसार 5 की संख्या में अपराधी घर के सीढ़ी पर थे, जिसमें एक अपराधी ने उसे हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद अपराधियों ने अलमीरा को तोड़कर उसमें से 4 लाख के आभूषण की चोरी कर ली। वहीं पीड़िता के द्वारा इसकी सूचना लोहिया नगर ओपी पुलिस को दी गई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जिसको लेकर पीड़िता ने एसपी को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया। फिर भी पीड़िता की अभी तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिससे पीड़ित परिवार सदमे एवं आक्रोश में है। दरवाजा बंद था तो उस टाइम फिर हम डर गए थे, तो फिर उसके बाद पुलिस को हम 100 नंबर पे फोन भी किए, लेकिन वो बोले कि मजाक कर रही है, ये वो खूब बोलने लगे और मैं नहीं सुने बात, तो फिर हम फोन रख दिए। फिर हम पूरा डरे हुए थे तो बाहर तो निकले नहीं, बाहर गेट मेरा बंद था। उसके बाद मादर चोद पता नहीं, फिर मेरा सारा गहना जेवरात चुरा कर फिर बाहर से गेट लगा दिया मेरा। फिर हम भैया भैया चिल्लाने लगे, तो फिर भैया का भी दरवाजा बंद था, चिल्लाने लगे हम भैया भैया, तो फिर भैया का भी दरवाजा बंद था तो वो निकलते कैसे, तो फिर उसके बाद छोटे भैया का नाम लेने लगे, आओ ना बिक्की आओ ना, बोलने लगे खूब। फिर उसके बाद कोई नहीं सुना, सबका बाहर से लॉक था और चोरी करके वो निकल गया। फिर उसके बाद कशिश प्रिया, पिता का नाम, पापा का नाम लालधारी चौधरी। कहाँ घर पड़ता है? बेगूसराय बिहार। सर हम आदित्य कुमार चौधरी से बोल रहे हैं, बाघा कॉलोनी से। सर कल रात में क्या हुआ सर कि 2:30 बजे के करीब हम लोग जब सोए हुए थे रात में सर, तो उस वक्त एक चोर आया, अपना रिवॉल्वर लेकर आया और मेरे सिस्टर के ऊपर ऐसे करके तान दिया और बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा अथी गहना जेवर कहाँ है, ये पूछने लगा। सिस्टर बोले कि नहीं है, तो वो क्या गोदरेज सामने था, उसने क्या किया कि गोदरेज को खोला कसकर, खोलते हुए कहता है उसमें से गहना जेवर सब निकालता है और सिस्टर को बोलता है पैसा कहाँ है, सिर्फ इसमें गहना जेवर। तो सिस्टर ने बोला कि पैसा यहाँ नहीं है, तो उसने कहा कि पैसा नहीं तो क्या हुआ, पूरा ऐसे करके बोलने लगा। और सिस्टर भी पूरा बोलने लगी सर कि रात को मेरे को कॉल आया भैया का 3:56 के लगभग में, वो बोले कि घर में चोर घुस गया है, तो हम भी बहुत डर गए, हम अपना गेट खोलने लगे तो देखे मेरा भी गेट लॉक है, भैया बोले कि उनका भी गेट लॉक है, सबका गेट लॉक था। फिर हम बॉक्स में गए, बॉक्स से अंदर आके उसके बाद फिर बाहर जाके सबका गेट खोले, फिर पता चला कि चोर चोरी करके गया है घर में। उसके बाद फिर जैसे हम आपको दिखाएं इधर वेंटिलेटर से, हम सर को हम गए भैया और हम सुबह सुबह गए वहां पे ऑफिस, ये लोहिया नगर ओपी ऑफिस गए, हमारा थाना है वहां पे सर पूरा बताया हम लोग का वारदात क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद फिर वो आए यहाँ पे जांच किए, हम लोग उनको बताए कि पूरा बंद था और चोर यहीं से गया है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कैसे चोर जा सकता है, हमको करके दिखाओ। तो जैसे फिर उसी के वजह से हम यहाँ पे आपको दिखा रहे कि कैसे कैसे वो जा सकता है, दिखा दो। लगभग 3:56 में था तो थोड़ा हम इधर उधर देखने लगे खिड़की से कि कोई है तो नहीं है ना। उसके बाद फिर लगभग 4:20 के लगभग में फिर हम ऊपर आए बॉक्स से, उसके बाद फिर इन लोग का गेट वगैरह खोले, उसके बाद फिर पता चला कि चोरी वगैरह हो गया है। वो सर बोले अंदर कि आए पहले सुबह सुबह टाइगर पुलिस आए वहां पे, उन्होंने पूरा वारदात का ये जायजा लिया। उसके बाद फिर वो बोले कि यहाँ वेंटिलेटर से निकल नहीं सकता, फिर वो बड़ा बाबू को बुलाने गए, फिर वो भी आके यहाँ पे वारदात का ये सब लेके गए। उसके बाद फिर उनका भी यही कहना है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता वेंटिलेटर से, चोर आया ही नहीं, तुम लोग झूठ इल्जाम लगा रहे हो, उल्टा तुम पे 420 का केस कर देंगे। हम लोग फिर डर गए, फिर हम लोग सोचे कि एसपी सर को कॉल करते हैं, उन्होंने बोला कि वीडियो बना के भेजो तब हम मानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम वीडियो बना के भेज सकते हैं, जैसे वो 10x18 का है और मेरा कमर पूरा का 32 का है, तो कोई भी 16 से नीचे का उसमें आराम से घुस सकता है और हमारे घर में आके चोरी कर सकता है। मेरा अभिजीत कुमार नाम हुआ, लालधारी चौधरी, घर हो गया मेरा बागा और थाना लोहिया नगर ओपी पड़ता है।